एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली वीडियो के हद तक हम लोग ने क्योटो प्रोटोकॉल के जो बेसिक आइडिया है कि वो क्या है और किस चीज़ के ऊपर मबनी है, उसको हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने क्योटो प्रोटोकॉल के जो मैकेनिज़म्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। उसके बाद आई विल बी टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ दिस प्रोटोकॉल एंड देन वेदर इट इज़ अ सक्सेस और अ फेलियर, हम इसको क्या डिफाइन करें, तो इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू, मैकेनिज्म्स के ऊपर चलते हैं। इसका जो सबसे पहला मैकेनिज्म है, देखिए मैकेनिज्म से मुराद क्या है। मैकेनिज्म से मुराद ये है कि हमने क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर पढ़ा कि टारगेट दिए हैं ना हर कंट्री को, आपकी N1 कंट्रीज को टारगेट मिला है कि आपने इतना इतना एमिशंस को कम करना है। तो एमिशंस कम करने का तरीकेकार क्या है, तो ये सबसे पहला जो है ना आप कह सकते हैं मैकेनिज्म है इसका, एंड दैट इज इमिशन ट्रेडिंग। इमिशन ट्रेडिंग किन के बीच में हो सकती है? इमिशन ट्रेडिंग हो सकती है आपकी N1 कंट्रीज़ के बीच में। आपकी N1 कंट्रीज़ कौन सी हैं? वो कंट्रीज़ जो कि हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं, जो कि डेवलपिंग नेशंस नहीं है, इन अ नटशेल जो कि डेवलप्ड नेशंस हैं, ठीक है। वो आपकी N1 कंट्रीज़ के एम्बिट के अंदर आते हैं। हर कंट्री को असाइंड अमाउंट यूनिट्स, जिनको हम AAU कहते हैं, असाइंड अमाउंट यूनिट्स मिलते होते हैं इन अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है, कि आपकी इतने अमाउंट है, इतनी अमाउंट से ज़्यादा आप इमिशंस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इस अमाउंट के अंदर अंदर रह के अपनी इमिशंस करेंगे तो आपको जो टारगेट दिया हुआ है वो आप अचीव करने के काबिल होंगे। मिसाल ले लेते हैं हम कि कैनेडा को, ये और ये हिपोथेटिकल मिसाल है, कैनेडा को 100 AAUs मिले हैं एंड ऑन द कॉन्ट्री जापान को मिले हैं 80 AAUs इन अकॉर्डेंस विद देयर नीड्स एंड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो AAUs क्या है? आपकी वो असाइंड अमाउंट जिससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते अपनी कार्बन इमिशंस को, क्योंकि अगर आप उसे एक्सीड करेंगे तो आपको जो टारगेट गिवन है आप उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। अब हम लोगों ने हिपोथेटिकली एज्यूम कर लिया कि कनाडा को मिले हैं 100 AAUs और जापान को मिले हैं 80 AAUs। इस अजम्पशन के साथ चलेंगे ताकि आपको सीड ये एमिशन ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आए। अंडर दिस एमिशन सिस्टम, कंट्रीज फ्रॉम N1 कैन ट्रेड क्रेडिट्स अमंगस्ट देम एंड देयर बाय रिमेन इन लिमिट्स। मिसाल ले लेते हैं कि कनाडा को आपने जो 100 AAUs दिए थे, कनाडा की हाउएवर उस टाइम पीरियड के अंदर जो कंजम्पशन थी दैट वाज ऑफ 120 AAUs, ठीक है, 120 AAU उसने कंज्यूम किए, यानी उसके पास जो डेफिसिट आ रहा है वो आ रहा है 20 AAUs का। उसने पास 100 गिवन है, उसने कंज्यूम किया 120, डेफिसिट आ गया 20 का। अब ये 20 को कैसे पूरा करे ताकि उसकी जो एमिशन टारगेट है वो अचीव हो जाए, तो उसका तरीकेकार एक ये होगा कि वो अपने इर्द गिर्द वाली N1 कंट्रीज को देखेगा और देखेगा कि क्या मेरी किसी N1 कंट्री का टारगेट है ऐसा जो कि अचीव ना हुआ हो। तो वो देखेगा कि अगर जापान, जिसको 80 AAUs मिले थे, उसने सिर्फ 60 AAUs खर्च किए हुए हैं या 60 AAUs को यूज किया हुआ है, तो वो फिर उससे 20 AAUs खरीद लेगा, ठीक है। तो जब वो खरीद लेगा तो उसका जो डेफिसिट है वो पूरा हो जाएगा, और क्यूमुलेटिवली देखा जाए तो दोनों अपनी लिमिट्स पे रहते हुए अपने अपने टारगेट को वो फिर अचीव भी कर रहे होंगे, ठीक हो गया। सो दिस इज द आइडिया ऑफ द इमिशन ट्रेडिंग, जिसे हम कार्बन ट्रेडिंग भी कहते हैं, और इसको हम कार्बन क्रेडिट्स के फॉर्म भी कहते हैं, AAU उसको हम कार्बन क्रेडिट्स भी कहते हैं, क्योटो यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है। कार्बन क्रेडिट्स अमूमन एक टर्म यूज़ की जाती है। इस ट्रेडिंग को हम कार्बन ट्रेडिंग भी कहते हैं, इमिशन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग, ये तमाम चीज़ें इसके लिए यूज़ होती हैं। तो बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है और इस पे एक्सटेंसिवली काम किया गया है। मिसाल ले रहे हैं आपकी यूरोपीय यूनियन इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, EU ETS का इनका हुआ इसके थ्रू। यूरोपीय यूनियन इज एन अमालगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ कंट्रीज। यूरोपीय यूनियन को जो टारगेट मिला था गालिबन इट वॉज ऑफ 8%, ठीक है, जो 8% का इनको फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में 8 से 12 का टारगेट मिला, 2008 से 2012, उस 8% को के एम्बिट के अंदर रहते हुए इन्होंने अपनी जो एमिशंस की आगे स्क्रूटिनाइजेशन थी और आगे कैटेगराइजेशन थी वो की थी अपनी कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो मिसाल ले लेते हैं, फ्रांस को कहा कि आप इस, हमने ये जो टारगेट है इसको यूटिलाइज करने के लिए भी आपने, फ्रांस ने 5% अपनी रिडक्शन करनी है। लग्जमबर्ग को कह दिया कि आपने 2% करनी है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने जो है अलॉट करके अपना जो ओवरऑल टारगेट था उसको अचीव करने की बात की। तो इसको
मद्देनजर रखते हुए कि तमाम कंट्रीज की नीड डिफरेंट है और डिफर कर सकती हैं विद टाइम, इन्होंने अपना एक पूरा सिस्टम बनाया, यूरोपीय यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, जिसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पर पेपर में लिख सकते हैं कि ये बाकायदा सिस्टम बनाया गया क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। तो कवरेज अगर जिसकी देखी जाए यूरोपीय यूनियन के अंदर ही, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर ईयू ईटीएस के अंडर के एम्बिट के अंदर जो कवरेज हुई, कवरेज ऑफ अबाउट 11,000 इंस्टॉलेशंस, यानी 11,000 ऐसी सोर्सेज जहाँ से कार्बन एमिशन हो रही है, वो इसके एम्बिट के अंदर आई। इट्स टुगेदर प्रोड्यूस ओवर 40% ऑफ यूरोपीय यूनियन कार्बन एमिशन इन 25 कंट्रीज, 25 ममालिक में 40% कार्बन एमिशन का जो बायस बन रही है, जो 11,000 इंस्टॉलेशन वो इसके एम्बिट में आती हैं और उनके अंदर रहते हुए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग देखने को हमें मिली। सो दिस इज वन क्राइटेरिया जिसके तहत आप अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, बिफोर दैट मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लूँ, इरेजर यहाँ से हम सेकंड क्राइटेरिया आ जाता है, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM इसे कहते हैं, इट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 12। ठीक है, प्रिंसिपल इसका क्या है कि ससूल के तहत CDM को रखा गया है कि इमिशन रिडक्शन प्रोडक्शन। ठीक है, इमिशन रिडक्शन प्रोडक्शन इसका क्या मतलब है, देखिए इसका असूल है, फिर मैं रिपीट करता हूँ, इमिशन रिडक्शन प्रोडक्शन, आप ऐसे कुछ सोर्सेज लगाएं कि जिसके तहत आपकी इमिशन में रिडक्शन नजर आए। ठीक है, तो अब आपको भी पता है बेग योर पार्डन, आपको भी पता है कि रिडक्शन के क्राइटेरिया क्या क्या है, रिडक्शन किस किस बेस के ऊपर होती थी। दो टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम रिड्यूस करते हैं कार्बन इमिशन को या उनकी इफेक्ट को, और वो क्या थी, अडेप्टेशन अप्रोच और मिटिगेशन अप्रोच। मिटिगेशन के अंदर आप डिस्प्लेस कर देते हैं सोर्स को विद द सोर्स दैट इज नॉट इमिट कार्बन इमिशंस, और आपकी अडेप्टेशन के अंदर जो सोर्स प्रोड्यूस कर रही होते हैं उसके हार्म्स को आप कम करने की बात करते हो, कोशिश करते हैं। इन दो तरीकों के तहत आप अपने जो कार्बन की मौजूदगी है आपकी आबो हवा में उसको आप कम करने की कोशिश करते हैं, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, इसी चीज़ को अप्लाई किया आपकी CDM के अंदर। और CDM ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एनेक्स वन कंट्रीज जो हैं, अगर वो नॉन एनेक्स वन कंट्रीज जो कि डेवलपिंग नेशन जिनके पास फाइनेंसिस इतने मौजूद नहीं है कि वो बेहतर टेक्नोलॉजीज की तरफ जा सके, और डेवलपमेंट उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उन्होंने डेवलप तो करना है, तो जिन कंट्रीज के पास रिसोर्सेज मौजूद हैं वो अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स लगा दें खसूसन एनर्जी रिलेटेड जो कि आपकी कार्बन इमिशंस कम करते हो। मिसाल ले लेते हैं कि कैनेडा कहता है कि मैं जो हूँ इंडिया के अंदर एक सोलर प्लांट लगा दूंगा, सोलर प्लांट की फंडिंग कर दूंगा। ठीक है, तो वो उसके क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के एम्बिट के अंदर वो काम करेगा ये। ठीक है, तो क्या किया इसने, एनेक्स वन कंट्री ने नॉन एनेक्स वन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि वहाँ पे आपकी या तो वो इन्वेस्टमेंट मिटिगेशन के अप्रोच के तहत हो रही थी या वो अडेप्टेशन के अप्रोच के तहत हो रही है। तो जब वो ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसके एवज इनको मिलते हैं इमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, जिसको हम CERs भी कहते हैं, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स या सर्टिफिकेट्स CER, ये इनको CER मिलते हैं एनेक्स वन कंट्रीज को। और ये CER, मजे की बात यह है कि ये CER भी बाद में ट्रेड किए जा सकते हैं, इनके अवेज भी पैसे लिए जा सकते हैं। ठीक है, और ये ट्रेड भी आप एनेक्स वन कंट्रीज के साथ ही करते हैं, तो ये आपके आ जाते हैं CERs। ओके, अब यहाँ तक होपफुली आपको क्लैरिटी हो गई होगी। आपने मिसाल ये रखनी है कि एक नॉन एनेक्स वन कंट्री ने नॉन एनेक्स वन कंट्री के अंदर एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया, और वो प्रोजेक्ट या तो मिटिगेशन की मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं या वो अडेप्टेशन की मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं। ओके, मेथोडोलॉजी क्या है CDM की, किस प्रिंसिपल या किन आप कह सकते हैं एक्शंस को मद्देनजर रखते हुए आप CDM को जो है सैंक्शन करते हो या नहीं करते हो। तो मेथोडोलॉजी इसकी सिंपल है कि CDM की एग्जेक्टिव बोर्ड है, CDMEB एग्जेक्टिव बोर्ड, ये तमाम प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करते हैं और अप्रूव करते हैं। अब ये नहीं कि हर प्रोजेक्ट अगर कोई एनेक्स वन कंट्री नॉन एनेक्स वन कंट्री में लगा रही है तो वो CDM के पर्सपेक्टिव के मुताबिक CDM के एम्बिट के अंदर रहता होगा, इसको वेरीफाई करने वाली बॉडी है एंड दैट इज दी CDMEB, CDM एग्जेक्टिव बोर्ड, ये आपके प्रोजेक्ट्स को देखती भी है और अप्रूव भी करती है और रिव्यू भी करती है। ठीक है, सो दिस इज दी CDM एग्जेक्टिव बोर्ड। फिर आपका ऑलमोस्ट 80% ऑफ ऑल CDM प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन चाइना एंड इंडिया क्यूमुलेटिवली, तकरीबन आपके 80% ऑफ ऑल CDM प्रोजेक्ट्स दे हैव बीन इंस्टॉल्ड इन चाइना एंड इंडिया क्यूमुलेटिवली, जो कि प्रॉब्लमेटिक बात है और ये एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बात बन जाती है जो कि हम आगे डिस्कस भी कर लेते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो तकरीबन 1,000 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अब तक आपके CDM के अंडर
अप्लाई हो चुके हैं या क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, या तो अप्लाई हो गए हैं या एटलीस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, सो इट मीन्स कि वो पाइपलाइन में होंगे. सो दिस इज एज फार एज CDM वाज कंसर्न्ड. फिर अगर बात करें हम जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की, तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन का एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल है जो कि CDM का है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये आपकी दो एनेक्स वन कंट्रीज़ के दरमियान का मामला है. इसके अंदर ये नहीं है कि आप किसी नॉन एनेक्स वन कंट्री के अंदर ही अप्लाई करें. लेट्स से कैनेडा जो है USA के अंदर कर देता है एप्लीकेशन ऑफ ए अडाप्टेशन या मिटिगेशन का जो होता है प्रोजेक्ट, ठीक है. तो उसके तहत जो है अगर एप्लीकेशन हो रही है और आपकी दो डेवलप्ड नेशंस आपस में जो है कोलैबोरेट करके या आपस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या तो मिटिगेशन के एम्बिट में फॉल करती है या अडाप्टेशन के एम्बिट में फॉल करे, तो उसको हम कहते हैं जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है. ये भी रिजल्ट करता है CERs में, ठीक है, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स या सर्टिफिकेट, और ये भी सेलेबल है इन दी इमिशन ट्रेडिंग, अंडर द इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम. सो ये तीन आपके मैकेनिज्म्स बन जाते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के, जिसके तहत आपकी जो कंट्रीज हैं वो अपनी इमिशंस को रिड्यूस करने की कोशिश करती हैं या बात करती हैं. तो उम्मीद है आपको ये तीनों मैकेनिज्म समझ आ गए होंगे. एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, इमिशन ट्रेडिंग जिसके अंदर आप को जो असाइंड अमाउंट यूनिट्स हैं या आपको कार्बन क्रेडिट्स जो कि असाइंड हैं, अगर आप वो एक्सीड कर जाते हैं तो उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप ट्रेडिंग कर लेते हैं, या अगर आपके पास सरप्लस मौजूद है तब भी आप ट्रेडिंग कर लेते हैं ताकि एक कंट्री जो कि ज़्यादा एमिट करना चाह रही है वो एमिट कर सके. CDM क्या है? एक डिवेलप्ड नेशन, नॉन डिवेलपिंग नेशन, एक अंडर डिवेलप्ड नेशन के अंदर जाके अगर कोई अडेप्टेशन या मिटिगेशन के परस्पेक्टिव में रहते हुए इंस्टॉलेशन करता है, तो वो आपको उसकी एवज क्या मिलते हैं? सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन क्रेडिट या सर्टिफिकेट, जो कि फिर बाद में फिर से सेलेबल होता है इमिशन ट्रेडिंग के एम्बिट के अंदर. जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में क्या है? द सेम प्रिंसिपल दैट वी फॉलो इन CDM, विद द ओनली एक्सेप्शन कि वहाँ पे एनेक्स वन के अंदर ही, यानी डेवलप्ड नेशन के अंदर ही इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होता है, ठीक है. तो ये आपके सामने एक समरी भी आ गई. आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा मैं कि इसको सॉलिडिफाई करने के लिए अपने अपने जहनों में, मैंने जानबूझ के एक चीज़ नहीं की यहाँ पे, और वो क्या है कि मैं आपके साथ, ऑल दो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक जगह इमिशन ट्रेडिंग के अंदर एग्जांपल दे दी, ऑल दो इमिशन ट्रेडिंग की भी बहुत एग्जांपल था, आप लोगों से गुजारिश ये है कि CDM की और JI की आप लोग एग्जांपल्स खुद से सर्च करें, ठीक है. बताने को मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं बता रहा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सर्च करें, एक दो एग्जांपल्स खुद से सर्च करें, कोई प्रोजेक्ट ऐसा जो कि लगा. मैंने आपको बता भी दिया कि चाइना और इंडिया में ज़्यादा लगे हुए हैं CDM के, JI के देख लें कि कहाँ पर लगे हुए हैं, और वो एग्जांपल्स आप लोगों ने अपनी जब नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर वो एग्जांपल्स ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा. उससे ये होगा कि आपको ये मैकेनिज्म काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा. ये शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, कोशिश मैंने की है कि आपको सारा क्लियर हो जाए, लेकिन हो सकता है कि अगर आपको फिर भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो उसका तरीका यही है कि आप एग्जांपल्स खुद से सर्च आउट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपके लिए आसान हो जाएगा. तो इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी तमाम बातें समझ आ गई, समझ आ भी रही हैं आगे भी, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शॉर्टकमिंग्स और आया कि ये एक फेलियर था ये सक्सेस, इसको डिस्कस करते हैं. आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.